हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर जो कार देखने को मिल रही है उसे आप अच्छे तरीके से पहचानते होंगे। अगर नहीं पहचानते तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये फोर्स कंपनी की तरफ से आने वाली काफ़ी कैपेबल ऑफ रोडिंग कार है, जिसे कि महिंद्रा थार के कॉम्पिटिटर में मार्केट में उतारा गया था। बट दोस्तों, इसका नाम महिंद्रा थार जितना तो पॉपुलर नहीं है, बट दोस्तों इसका एक काफ़ी बेस्ट कैपेबल ऑफ रोडिंग के तौर पर इसका नाम जाना जाता है। जिस तरीके से महिंद्रा की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि महिंद्रा थार जो है वो आपको 5 डोर में देखने को मिलने वाली है, उसी तरीके से दोस्तों फोर्स गोरखा भी है, वो भी आपको 5 डोर में देखने को मिलने वाली है, जो कि 2023 में लॉन्च होने वाली है। दोस्तों, इन दो ऑफ रोडर के अलावा भी इन दोनों का एक कॉम्पिटिटर आने वाला है 2023 में। उस कार का नाम आपको कमेंट में लिखना है, जिन्होंने सबसे पहले कमेंट किया होगा उन 5 ID को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों अपने वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फोर्स गोरखा 5 डोर के बारे में जितनी डिटेल्स आई हैं उस डिटेल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो दोस्तों, इसके एक्सटीरियर में आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले, बट दोस्तों इसके डायमेंशन में आपको काफ़ी फर्क देखने को मिलने वाला है। बट इसके इंटीरियर में काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो दोस्तों, अभी जो मार्केट में फोर्स गोरखा 3 डोर वर्जन प्रेजेंट है, सेम उसी तरीके की डिज़ाइन आपको देखने को मिलने वाली है 5 डोर फोर्स गोरखा में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन चेंजेस के बारे में। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले 4116 mm का लेंथ देखने को मिलता है, और दोस्तों इसमें आपको 1812 mm का विड्थ देखने को मिलता है, और इसकी जो हाइट रहने वाली है वो तकरीबन 2075 mm की रहने वाली है, और इस कार में आपको 2400 mm की व्हील बेस देखने को मिलता है। किसी भी कार का जो डायमेंशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कार के ऑफ रोडिंग के लिए। तो दोस्तों, इसकी जो डायमेंशन है वो काफ़ी बेस्ट है इसके ऑफ रोडिंग के मामले में, जो कि तगड़ी टक्कर दे सकती है महिंद्रा थार के 5 डोर वर्जन को। दोस्तों, इस कार में आपको 18 इंचज़ के अलॉय व्हील देखने को मिलने वाले हैं, जो 3 डोर वर्जन है उसमें आपको 16 इंचज़ के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। अगर इसकी फ्रंट लुक की बात करें तो दोस्तों, अभी जो मार्केट में गोरखा प्रेजेंट है, सेम उसी के तरीके से आपको फ्रंट डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। इस कार में भी आपको सेम LED DRLs और राउंड शेप में LED हेडलैम्प देखने को मिलने वाले हैं। इस कार में भी आपको उसी तरीके से जी वैगन टाइप बोनट डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है, जो कि 3 डोर वर्जन में देखने को मिलता है। दोस्तों, इस कार में भी आपको सेम 2.6 लीटर का टर्बो डीजल इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको 3 डोर वर्जन में देखने को मिलता है, जो कि 90 BHP का पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें भी आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलने वाला है, और दोस्तों ये 4x2 और 4x4 के ऑप्शन के साथ आने वाली है। अगर दोस्तों आप बात कर ले इसके इंटीरियर के बारे में, तो दोस्तों इसमें जो थीम ली गई है तकरीबन वो आपको 3 डोर वर्जन की तरीके से ही देखने को मिलने वाले हैं, बट दोस्तों इसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, इसमें आपको 7 इंचज के इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलने वाले हैं, जो कि टच स्क्रीन के साथ आते हैं, और दोस्तों इसमें आपको मैनुअली बटन कंट्रोल्स देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर इसमें सबसे बड़ी चेंज की बात की जाए, जो कि 3 डोर वर्जन से बिल्कुल हटके है, तो दोस्तों वो है इसकी कैबिन सीट्स, जहां आपको गोरखा के 3 डोर वर्जन में बैक में भी आपको चेयर सीट देखने को मिलती थी, बट दोस्तों इस कार में आपको बेंच सीट देखने को मिलने वाली है। इसका इंटीरियर आपको ब्लैक एंड ग्रे में देखने को मिलने वाला है। वैसे दोस्तों, आपको क्या ये लगता है कि इतने चेंजेस के बाद ये महिंद्रा थार को टक्कर दे पाएगी? अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। बट दोस्तों, इसकी जो प्राइस है वो अनवील नहीं की गई है, आपके अकॉर्डिंग दोस्तों इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, क्या आपको ओला कंपनी के बारे में पता है, जो कि इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाते हैं? बट दोस्तों, क्या आपको पता है कि ओला कंपनी अपनी एक इलेक्ट्रिक कार लेके आने वाली है इंडियन मार्केट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लुकिंग के साथ आने वाली है, जिसके ऊपर आपको वीडियो देखने को मिलने वाली है अपने चैनल पर। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो प्लीज़ दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों अपनी वीडियो को लाइक जरूर कर दें।